it is progress, because you are not doing anything on your own. You are getting the mandate from IMF and the World Bank. And this is our friend, in 1991, we started reforms in this country. आपको क्या लगता है? Things changed? Things did change. Of course, हम सभी को मालूम है कि सिचुएशन ऐसी बदली कि आपको 18 साल स्कूटर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ गई ऑटोमोबाइल में. तो क्या चेंज हुआ? चेंज ये हुआ कि सडनली अगर आपको स्कूटर लेना है या मोटरसाइकिल लेनी है, तो व्हाट यू डू, यू जस्ट टॉक टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स एंड उसको बोलो उसके कान में, यार मुझे मेरे बेटे के लिए स्कूटर लेना है या बेटे के लिए मोटरसाइकिल लेनी है. आप खाली विस्पर करो, ऑल दीज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल समहाउ कम टू नो कि आपको स्कूटर लेना है, मोटरसाइकिल लेनी है. नेक्स्ट डे दे विल ऑल बी देयर एट योर डोर स्टेप्स और आपको बोलेंगे, सर आपको मोटरसाइकिल लेनी है, हमसे लीजिए, हम आपकी गाड़ी में पूरा पेट्रोल भर के मुफ्त में देंगे, रजिस्ट्रेशन फ्री देंगे, इंश्योरेंस फ्री देंगे, और आपको एक गोल्ड का सिक्का देंगे, और हो सकता है आपको सिंगापुर या मलेशिया जाने का भी मौका मिले. दिस इज हाउ दी थिंग्स चेंज्ड टू सम एक्सटेंट, बट नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग. एंड व्हाई दे डू नॉट कॉन्टेक्स्ट चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, एंड दैट इज बिकॉज अटर मिसमैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग क्रेडिट इवन आफ्टर 1991. एज मच एज लोगों को लगता है कि जो हमारे कंट्री में NPAs हैं उनका साइज 10 लाख करोड़ है, 12 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ है, पर मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेड अ स्टेटमेंट दैट ऑल ऑफ अस मस्ट बी अवेयर, एंड ही सेड जब हम पावर में आए तो हमको मालूम पड़ा कि हमारे देश की हालत उतनी खराब नहीं थी जितना हमने सोचा था, हमारे देश की हालत उससे भी बहुत ज्यादा खराब थी, और इतनी खराब थी कि हम लोगों को बता भी नहीं सकते थे. और क्यों नहीं बता सकते थे? क्यों? हमको लगा कि अगर हम लोगों को बताएंगे कि हमारे देश की हालत यह है, तो जो लोग हमको मदद कर सकते हैं वो भी हमको मदद नहीं करेंगे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड दी स्टेटमेंट कि हमारे देश में जो NPAs हैं, द साइज ऑफ दोज NPAs वॉज 52 लाख करोड़. And he said that कि 100 रुपए अगर बैंक ने लैंड किए तो बैंक से जो वापस लौट के आया वो कितना था? 18 रुपया. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो 56 लाख करोड़ है ये एक नंबर नहीं है, ये एक अमाउंट नहीं है, ये हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में लगा हुआ सबसे बड़ा रोड़ा है. आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 52 लाख करोड़ ऑफ द अमाउंट वॉज मेड अवेलेबल फॉर द बिल्डअप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री, तो जो हम बोल रहे हैं कि $5 trillion की इकोनॉमी बनेगी 25 में, हम पता नहीं कब के $5 trillion की इकोनॉमी बन चुके होते थे. एंड ऑल दिस फ्रेंड लेड टू थिंक दिस गवर्नमेंट दैट समथिंग हैज टू बी डन बिकॉज द एग्जिस्टिंग लॉज दैट यू हैव इन दिस कंट्री दे वर नॉट परफॉर्मिंग अबाउट द इंसॉल्वेंसी. And that is how the government of India thought to bring out the insolvency and bankruptcy code. Iska maksad kya hai? Iska maksad hai number one. See, this is how a leader works. So what the thought behind insolvency and bankruptcy code? The thought was ki jitni bhi NPAs hai, do hi cheez ho sakti hai. Ya to jo company NPA hai, wo company ka turn around hona chahiye. Aur dusra kya hai ki agar us company ka turn around possible nahi hai, तो उस कंपनी को बंद करना चाहिए. क्यों बंद करना चाहिए? टर्न अराउंड होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दैट कंपनी इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, यस और नो? इज इट? एंड अगर उस कंपनी का टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं है तो क्या करें? तो आप उस कंपनी को बंद करिए, बंद करके उस कंपनी की जो एसेट्स है उनको सेल करिए. और सेल करने से क्या होगा? Somebody who is buying those assets, he is going to use it for the purpose of production, and that means those assets again be part of your economic development. That was the purpose number two. And purpose number three was also to give a message to the industry, to the businessmen, कि भाई अगर आप अपने business को तरीके से नहीं चलाएंगे, तो you cannot take the ownership for granted. So you आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने कंपनी चालू करी है और ये कंपनी का मालिक हमेशा मैं ही रहूँगा. That thought process was broken, and I'm sure all of you would know this. कि insolvency and bankruptcy code आने के बाद कितनी सारी कंपनियों के management change हुए हैं. There used to be a company called SR Steel. That SR Steel earlier belonged to Reyes.
अब दैट कंपनी टुडे बिलोंग्स टू आरस्टोर मित्तल निपॉन स्टील लक्ष्मी निवास मित्तल. Why? Because this company was not being managed well. And this is the message what it has got. I'm sure those of you who are practicing in insolvency and bankruptcy court would know कि अब अगर आप आपके अगर कोई कोई कंपनी है अपने क्रेडिटर्स को टाइम से पे नहीं कर रही है, अगर आप उसको एक नोटिस भी भेज दें कि भाई या तो पे करो नहीं तो फिर एनसीएलटी में लेके जाते हैं, वो आदमी घुटनों पे आता है और बोलता है कि भाई अगर मेरे से गलती हो गई है तो मैं मेरी गलती को सुधारने को तैयार हूँ और मैं आपको पेमेंट देने को तैयार हूँ. फ्रेंड्स, दिस इज द बैकग्राउंड बिहाइंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. If you decide to practice as an insolvency professional, this is what you must remember. Unfortunately or incidentally, the game has become completely different today. But we, Satyam Padam Dharmam Charam, अगर हम उसमें believe करते हैं तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको ये जो end objective है insolvency and bankruptcy court का उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है. अब मैं आपको थोड़ा सा idea दे दूँ कि ये exam में इसमें है क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में है क्या. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो फर्स्ट इज फॉर द कॉर्पोरेट एंड सेकंड इज फॉर द नॉन कॉर्पोरेट्स. नॉन कॉर्पोरेट्स का मतलब है इंडिविजुअल्स एंड द पार्टनरशिप, एंड कॉर्पोरेट का मतलब है LLP एंड द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. फॉर द नॉन कॉर्पोरेट्स इट इज स्टिल टू बी एक्टिवेटेड बिकॉज दिस पोर्शन इज स्टिल टू बी एक्टिवेटेड बिकॉज यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आज की तारीख को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही पूरा नहीं पड़ रहा है तो ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन दिस पोर्शन इज एक्टिवेटेड. सो यू हैव कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी, इफ अ कंपनी इज नॉट पेइंग टू इट्स सप्लायर्स और लेंडर्स, दिस कंपनी विल गो टू द NCLT एंड द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी विल बी चेंज एंड दिस कंपनी विल बी हैंडेड ओवर टू समबडी हु कैन रन इट प्रॉफिटेबिलिटी profitably. This is known as corporate insolvency resolution process. यानी कि एक कंपनी जो कि इंसॉल्वेंसी के कगार पर है उसकी इंसॉल्वेंसी को कैसे रिजोल्व किया जाए, दैट इज योर CIRP. अगर कोई कंपनी CIRP में जाती है और उसका रेजोल्यूशन होता है तो अच्छी बात है. देयर इज अ प्रोविजन इन द IRIS कोड एंड द प्रोविजन इज कि अगर विद इन द गिवन टाइम CIRP पॉसिबल नहीं है तो फिर दिस कंपनी हैज टू गो कंपल्सरली फॉर लिक्विडेशन. कंपल्सरी लिक्विडेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर टर्न अराउंड कर सकते हैं अच्छी बात है, टर्न अराउंड नहीं कर सकते हैं देन गो फॉर दी एंड देन यू आर अ फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल व्हिच इज जस्ट टू डू इट फास्टर एंड देन यू आल्सो हैव दी वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस. सो फ्रेंड्स, दिस इज दी बैकग्राउंड दैट यू हैव एज फार एज दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इज कंसर्न. दिस इज हाउ इट्स गोइंग. नाउ लेट्स लुक एट दी वैल्यूएशन एज ए प्रोफेशन. अब मैं आपको बताऊं कि ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आपको लगता है कि वाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 में हम लोग आज़ाद हुए और 2017 में हमारी गवर्नमेंट वैल्यूएशन रूल्स लेके आती है. क्या लगता है आपको कि क्यों इतना समय लगा गवर्नमेंट को, क्यों 70 साल का समय लगा गवर्नमेंट को ये रूल्स लाने के लिए? Why the government had to wait for 70 years to bring the valuation rules now? Anyone of you? What can be the reason? Let me tell you, friends. The reason, of course, is very simple, and हम सब लोग इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं. Why did the government think of bringing the valuation rules? And that is because कॉर्पोरेट में मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, टेकओवर होते हैं, बायबैक होता है, राइट? सो मेनी ट्रांजैक्शन एंड दे आर हैपनिंग नॉट ओनली विद इन द कंट्री, दे आर आल्सो हैपनिंग अक्रॉस द बॉर्डर. एंड यू कैन इमेजिन कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन इस तरह का होता है सो द प्राइस इज डिसाइडेड एंड बाय डिसाइडिंग दैट प्राइस इन अ मैन्युपुलेटेड मैनर इट इज पॉसिबल that the managements can do siphoning of the funds, yes or no? Yes. Yeah, isn't it? So the government thought that there has to be a full stop to that. And that is how the government brought out the valuation rules. अब मैं आपको बताऊँ, देखो ये जो valuation rule है, independent director है, insolvency professional है, social auditor है, ये हम सबके ऊपर, ये किसको दी government ने?
The government has given all these opportunities to whom? It has been given to the chartered accountants, company secretaries, caste accountants, lawyers and MBAs. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट हैज अ ट्रस्ट एंड फेथ इन अवी प्रोफेशनल्स. दैट मींस गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एंड एमबीएस, दे विल नॉट डू एनी हेराफेरी. दे विल डू अ जॉब इन अ वेरी फेयर मैनर. दे विल डू द वैल्यूएशन व्हिच इज ट्रूली अ फेयर वैल्यूएशन. दे विल नॉट डू वैल्यूएशन दैट विल हेल्प द इंडियन मनी गेटिंग साइफर्ड आउट ऑफ इंडिया. This was the faith and trust and the confidence that the government had in all of us. And with that objective, government has brought out these valuation rules. Now, I'm sure you may like to know ki what are the opportunities that we have as a valuation professional. Aur main aapko bataun ki valuation is a very, very interesting, very lucrative एरिया ऑफ प्रोफेशन. यानी कि एक एक वैल्यूएशन करने में आपको 10, 20, 25, 30 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी दैट यू आर ट्राइंग टू वैल्यू. सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, जस्ट टू गिव